करेंगे। और ये बात उरई के महल मामा के दिल में खटक रही है, किसी तरह मोहब्बियों का सर्वनाश करो। प्यारे बंधुओं, स्टेज के ऊपर सिंध दिल्ली की पृथ्वीराज चौहान का दरबार आप लोगों के सामने पेश नजर है। पृथ्वीराज चौहान का दरबार, बेटा तहर वाह सेना पर ढांढो। कहिए महाराज बात चाहे। जब से मेरे सिरसागढ़ में मलखान का बध करके आया, तब से बेटा तुम्हारे मामा माहिल आज तक दरबार में आए ही नहीं। आप इंतजार कीजिए, मामा जी अभी आते हैं। करके है आपकी ही बातों पे चौहान। अरे बोलो, अरे कुछ लिली घोड़ी खतर होके चलो घर जो साले शेर के सिरसागढ़ को लूट लो। को लूटने की और कुछ अब वहां जाने की माहिल और मेरी। अरे क्यों फंसाते हो, अरे क्या करो क्या किसी।
दाऊदल और सिरसा गढ़ हो वहां भी समारंग और कट जाए। अरे अब्राम, अरे बहुआ, ये रतो, अरे महिल में इतनी हिम्मत है तो हम जैसे वीरों का क्या है। सेना पर धन हो वह बेटा तार, इस बात को ध्यान से सुनो, जो कर सेना कर रुको कर की और तरफ को अभी मोड़ दो। अरे ना गजमोत्री को ऐसा किया तो समझ लो कि अरे मेरा, अरे नमक पक्ष पर जो भी तुझको अरे कहूं होगा बेटा नहीं, अरे आए कब तलक ना हाथ कजमो तिरी पर लगाए कटो के लिए जाने के लिए कह रहे हो, लेकिन माहिल तो फाटा क्या महोबे के जा के परिहार मुझसे। अरे देखे हम फौज करके लेके कर फौज हम सब महोबे गए आएगा रत्न लगे।
फट रहे को रखे हो तू, दे रहा है आपको उल्टी ऐसी ध्यान जाएगी आज माहिल की सुनी जाएगी। महाराज महाराज हम आपके हुक्म के फरमा बरदार हैं, लेकिन ये चुंगुल खोर अंगुरी मत दिखाना, नहीं आ रहा मशीन में यही दादरे में चिरवा दे तुम्हारा। ठीक है, आज दरबार में मेरी कुछ नहीं सुनी जाएगी, इसलिए नहीं सुनी जाएगी कि वो आपके साले हैं। अरे तुम्हारे तुम ही कह दो अपने, क्यों कह दे? इसीलिए महाराज दरबार मेरी आज कुछ सुनी जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये माहिल ये दिल्ली जितनी ऊंची है इसने एक दिन नीचे न करा दिया तो महल। हम तुम्हारे कहने पर मोहब्बे पर चढ़ाई करते हैं, लेकिन मुझे पल पल की खबर आप देते रहिएगा। महाराज इसके लिए चिंता क्यों करते हैं, मैं एक पल पल की बातें तुम्हें बताता रहूंगा, आप चिंता नहीं करिए। यदि ऐसी बात है तो जिस प्रकार हम सागर में विजय प्राप्त किए हैं उसी प्रकार महाबे को भी विजय प्राप्त करेंगे, ये मेरा वादा रहा। देखियो भैया देखियो, ये महिलवा इतना खतरनाक है कि यही कोड़ा का बालू वही कोड़ा का बालू यही कोड़ा, जब तक ना कह दिए तब तक यह पेटे के खाना हजम नहीं होते। लेकिन कैसे? अरे चुनरिया ऐसा जन लाए हो, चुनरिया बालम लाए, चुनरिया ऐसा जन लाए हो, चुनरिया बालम लाए, हमरे गौ ने कई समान चुनरिया ऐसा जन लाए। ओ चुनरिया ऐसा जन लाए, ओ चुनरिया बालम लाए, ओ चुनरिया ऐसा जन लाए, ओ चुनरिया बालम लाए, हमरे हमरे गौ ने कई समान चुनरिया ऐसा जन।
है। आप इधर से मुख मार कर चलिए स्वर्गलोक की तरफ। मलखान स्वर्गलोक में रहते हैं और परिया लोग उनकी परीक्षा लेने जा रही हैं। स्टेज के ऊपर परी नंबर एक प्रस्तुत है। परी नंबर एक ठीक है, इस समय मलखान स्वर्गवास में है और चलती हूँ उनसे परीक्षा लूंगी। परीक्षा तो परीक्षा ही, उससे जम के प्यार करूंगी। हो यारी बेटी चल रहती हमारे कालिका प्रसाद भैया ग्राम सभा ददरी, ये 100 रुपए कमेटी के लिए दान, उन साहबान को लख लख धन्यवाद।
हेलो यज्ञ हमारे राजेंद्र कुमार भैया ग्राम सभा टिकट की परवाह, ये इसी गीत पर खुश होकर के 10 रुपए कैसे पैसे लेना, हम उन साहबान को लख लख धन्यवाद। हेलो हेलो, ये रही परी नंबर एक और मलखान की परीक्षा लेने परी नंबर दो जा रही है। परी नंबर दो क्या बताऊं, मलखान सर्वाज है, चलती हूं उनकी परीक्षा लूंगी, परीक्षा नहीं जम के प्यार करूंगी। और यदि छोटी हूँ बालम मराओ रणुआ मराओ, घबराओ ना, 15 दिन के बाद करवानो चालू है। अच्छा, और अभी छोटी हूँ बालम जवान होने दे रे, अभी छोटी हूँ बालम हमारे राम जतन भैया ग्राम सभा तलोकिक प्रणसी, ये 10 रुपए स्पेशल इनाम उन साहबान को लख लख धन्यवाद। दिनेश भैया हमारे दिनेश भाई छाया हुआ नाम दिनेश भैया मुसाफिर खाना भैया इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं, हमारे दर्शक आए हैं, हमारे सामाजिक हैं, ये 10 रुपए स्पेशल इनाम दिए हैं हमारे दिनेश भैया। अच्छा। कुमार नहीं लगाएंगे, सामने बैठे भी वो भी कलाकार, जरा प्यार से कुछ कह के जाना। अच्छा, सारी सारी रात बालम तेरे सगी सोई, सारी मुसीबती मैंने झेली, सारी सारी रात बालम तेरे सगी सोई, सारी मुसीबती मैंने झेली, मेरे से जो पूरा मेरे से जो पूरा समान होने दे रे, मेरे से जो हेलो हेलो यज्ञ हमारे देवराज भैया, देवराज भैया दक्षिण तलिया, ये भैया 10 रुपए स्पेशल इनाम व 10 रुपए कमेटी के लिए दान, उन साहबान को लाख लाख धन्यवाद। परेशान हो गांव को सही करा दिए। हेलो हाँ दर्शक बंधु, अब इस चैन जाओ पर सीन स्वर्गलोक की, स्वर्गलोक में मलखान रहते हैं, तभी परी नंबर एक मलखान के पास पहुंचती है। प्यारे बंधुओं, मलखान और परी नंबर एक में क्या वार्ता होती है बंधुओं, इन पर ध्यान दीजिएगा। गरीबी काले जा
आपको देखकर मेरे होश उड़ गए हैं कि आप लोग यहाँ पर कैसे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपसे क्या कहना चाहते हैं? करो ऐसी बातें, इस तरह की बातें सुनना मुझे गवारा नहीं बेबी। करो ऐसी बातें